प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओणम उत्सव के मौके पर दुनिया भर में रहने वाले केरल वासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पोस्ट में कहा, सभी को ओणम की बधाई, आपका जीवन स्वस्थ, खुशहाली तथा समृद्धि से परिपूर्ण हो। पिछले कई सालों से ओणम वैश्विक उत्सव बन गया है। ये केरल की खूबसूरत संस्कृति को दर्शाता है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, राज्य के निवासियों तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाले केरल वासियों को ओणम की हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, ओणम का उत्सव समानता, एकता तथा संपन्नता का प्रतीक है और ये उत्सव सभी में खुशियों का संचार करता है। श्री मोहम्मद आरिफ ने कहा, आइए वैश्विक स्तर पर ओणम की मधुरता, आकर्षण तथा चमक को फैलाइए, क्योंकि प्यार, समानता तथा सौहार्द अनोखा है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा, ओणम उत्सव केरल के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। ये लोगों के मस्तिष्क में नई आशा और विश्वास का संचार करता है और समाज में सौहार्द के संदेश को फैलाता है। उन्होंने कहा कि ओणम का उत्सव समानता, एकता तथा समृद्धि का संचार करता है, साथ ही ये लोगों के दिलों, दिमाग और घरों को दिव्य खुशी से भरता है।